feel the impact. Can't break it open, leaving nothing f***ing intact. Leaving nothing behind. Hey yo, you've been hacked. It's safe, hardened, but I found it, homie, been cracked. But ain't nothing inside. Hey yo, we been back. Your band stacking, see you flexing with the thin stack. But they don't know we on. Hey, look, you been whacked. I kill them all, feel the motherfucking impact. थोड़ा आगे निकल गया था, ये वाला कट छोड़ के आगे चला गया था। क्या लगती है एकदम सेक्सी। आ? ये लिया आपने बाइक भयानक। चलाओ। नहीं नहीं चलाइए, आप चलाइए। अरे नहीं चलाइए, वहाँ चलाएंगे हम। एंड अभी आप इसमें वीडियो देखोगे। एंड ये जो व्लॉग है, ये व्लॉग दो वीडियोस के बाद आएगा। एंड इसमें बताऊंगा कि मैं कैसे शूट करता हूँ, क्या करता हूँ। जो हमारा दूसरा फ्रेंड है आकाश, वो मिलेगा हमें शहीद पथ के एंड में, सब अपने काम पे वापस। तो भीड़ देखो आप फिर से कितनी हो गई। वो रोडे भूल जाओ जो लॉकडाउन में जब राशन पानी लेने निकलते थे तो मिलती थी। हालाँकि वो रोडे अच्छी बहुत लगती थी, बट बहुत लॉस हो रहा था सबका, तो वो भी बहुत बुरी चीज़ थी एक्चुअली। फ़ायदा सिर्फ कुदरत का हुआ है इस बीच, इंसानियत का तो काफ़ी नुकसान हुआ है, जो सच बात है। और जितने भी लेबर्स थे, गरीब लोग थे, उनको तो बहुत दिक्कतें हुई। ओहो, मैं चल रहा हूँ, लीड कर रहा हूँ ना। यार अब तो राइडिंग जैकेट की, मतलब जो ऑल सीजन वाला राइडिंग जैकेट होता है, वो लेने की बहुत ज़रूरत है। पहले तो मैंने सोचा था कि लेदर लूँगा, बट लेदर तो गर्मी में बिल्कुल चल नहीं पाएगा। गर्मी काफ़ी लंबी रहती है इधर एंड ठंड बहुत कम टाइम के लिए होती है। तो एक तो मैं पूरा लेदर लूँगा, प्लस एक ऐसा ऑल वेदर राइडिंग जैकेट लूँगा। करंट राइडिंग जैकेट जो है वो सिर्फ टूरिंग के लिए यूज़ कर पाऊँगा मैं, बिकॉज वो जैकेट बहुत ज़्यादा ही बल्की है एंड उसमें फ़ोटोज़ भी थोड़ा मैं ऐसे फ्लफ़ी फ्लफ़ी आता हूँ, ऐसा लगता है 10-15 केजी वेट बढ़ गया है। खैर आज तो नॉर्मल शूट पे जा रहे हैं, बाइक्स बिल्कुल भी तेज़ भगानी नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत चलाएंगे नॉर्मली, बट बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं जाना है, तो इसलिए ग्लव्स ले लिए हैं, बूट्स पहन लिए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे पीछे इस टाइम मुझे लगता है दो बेस्ट बाइक्स खड़ी है अपने सेगमेंट की। तो बूजा, जैसा कि आप जानते हो, स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेशन का किंग कहा जाता है, और R1 तो मतलब अलग ही मशीन है एकदम। इतना अच्छा लगा चला के, आज मैंने दोनों बाइक्स चलाई। तो अब एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो बना रहा हूँ मैं, बताता हूँ आपको दोनों बाइक्स में क्या अंतर है और दोनों बाइक कैसी है, नेचर कैसे दोनों बाइक का स्पेशली। तो मैंने और साउथ भाई ने पहले R1 चलाई, उसका जब लोग बूजा उठाने बैठे, एक बार में जब जोर लगाया तो एक बार में उठी नहीं, फिर दूसरी बार हम लोग को लगा कि हाँ ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, फिर हम लोगों ने उठाई बूजा। तो बूजा थोड़ी हैवी बाइक है, हालांकि चलाने में फील नहीं होती, चलाने में R1 से हाँ चलाने में काफ़ी हल्की लग रही है। और पर्सनली R1 मैंने चलाई तो इतनी मेंटेन लगी मुझे, इतनी बढ़िया लगी साउथ भाई की बाइक की, मज़ा ही आ गया एकदम। तो अगर हम ब्रेक्स की बात करें तो दोनों बाइक्स की ब्रेक्स काफ़ी अच्छी हैं, और जो R1 है इसमें 3 पिस्टन कैलिपर आते हैं, और डुअल डिस्क तो आपको पता है, लीटर क्लास बाइक है, डुअल डिस्क तो होगी ही। और बूजा में एक्चुअली ब्रेम्बो 2 पिस्टन कैलिपर लगे हैं, बट ब्रेकिंग दोनों की मुझे सिमिलर लगी। पर्सनली चला के दोनों की ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग लगी। एंड अगर कंफर्टेबल की बात करें तो R1 थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगी मुझे पर्सनली, बट वो खैर अपना अपना ओपिनियन है, आप वो चलाते रहते हैं R1, तो मैंने R1 चलाई तो मुझे R1 ज़्यादा हाँ कंफर्टेबल लगी। साउथ भाई को बूजा काफ़ी हल्की लगी चला के, बट आधी जान तो उठाने में ही निकल गई थी। दोनों बाइक के लुक की बात करें तो दोनों बाइक लुक में काफ़ी डिफरेंट है। बूजा में जैसे कि आप देखते हो, एक सिंगल हेडलाइट सेटअप आता है जिसके अंदर आपको डिवीजन मिल जाते हैं, एंड R1 थोड़ी सी शार्प लगती है देखने में, और दो डिवीज़न है लाइट्स के जिसमें क्वाड सेटअप है, दो बल्ब्स हैं, दो प्रोजेक्टर्स हैं, तो जिसकी वजह से लुक काफ़ी ज़्यादा ही कूल हो जाता है, मतलब बता नहीं सकते कितना कूल हो जाता है। और हम लोग की मुझे लगता है ये फेवरेट है, आपकी भी ये फेवरेट वाली R1 है बाइक, R1 हाँ। तो हालांकि बूजा का भी अपना अलग ही मज़ा है, जिन लोग को बूजा पसंद है फिर वो बूजा के अलावा कुछ और लेते ही नहीं है, और R1 का भी अपना अलग ही है। बट जैसा मैं हूँ थोड़ा लीन, तो मुझे R1 मेरे ऊपर ज़्यादा सूट करती है। साउथ भाई के ऊपर तो साउथ भाई बूजा चला के आए तब भी बहुत अच्छे लग रहे थे, स्मार्ट लग रहे थे साउथ भाई। एंड इसके बाद अगर बात करें पोस्चर की, तो R1 थोड़ी ज़्यादा अग्रेसिव है, बिकॉज
इसको थोड़ा ट्रैक को ध्यान में रख के बनाया गया था। एंड आर सीरीज की बाइक तो डेफिनेटली अग्रेसिव तो होगी। एंड एग्जॉस्ट साउंड दोनों के सुना देते हैं एक बार हम लोग। और दोनों में एक्चुअली TBR ही लगे हैं, तो ऑलमोस्ट साउंड सेम आ रहा था जब हम लोगों ने चेक किया था। अभी एक बार सुना देते हैं कंपैरिजन के लिए आपको। आपने दोनों सुपर बाइक्स की आवाज़ सुन ली, एंड कमेंट करके बताना किसकी आपको ज़्यादा अच्छी लगी। ऑलमोस्ट मुझे तो सेम लगी, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा, मतलब दोनों की आवाज़ एकदम सेम लग रही है। और दोनों में TBR लगे, बट मुझे लगता है कलर का थोड़ा सा डिफरेंस है, उसका सिल्वर है। दोनों स्लिप ऑन लगे, हाँ दोनों स्लिप ऑन है। फुल सिस्टम कोई नहीं है, इसलिए ओवर लाउड कोई नहीं है, बहुत सूदिंग आवाज़ आती है। इनलाइन 4 है, आवाज़ का मतलब तो आपको आ ही जाएगा, मतलब वीडियो में अभी देखोगे आप तो। इसके बाद और कुछ अगर बात करते हैं तो इसमें सिंगल प्रोजेक्टर आता है, उसमें डुअल प्रोजेक्टर आते हैं। तो साउथ भाई बताएंगे, साउथ भाई रात में कैसी है, मतलब परफॉर्म करती है, लाइट कैसी है, लाइट अच्छी है? इसे लेके आया इसको, एकदम पता ही नहीं चल रहा था कि कुछ अंधेरा, बिल्कुल सामने बिल्कुल क्लियर दिख रही थी। तो जितना खूबसूरत ये दिखता है क्वाड सेटअप, उतना ही यूजफुल भी है। यूजफुल, हाँ काफी, मतलब अच्छा है। साउथ भाई कह रहे हैं मैं i20 कार से साथ में थी तो उसमें कंपेयर कर रहा था, तो उससे ज्यादा लाइट थी। तो दोनों बाइक्स का लुक देख लिया आपने, 175 BHP 200 BHP की बाइक्स है दोनों। एंड आकाश से थोड़ा पूछते हैं कि भाई कैसा एक्सपीरियंस है बूजा का, कैसा तुम्हें फील होता है? भाई एक्सपीरियंस ये है कि भाई लेजेंड चला भाई। ये हो गया एक कंपैरिजन वीडियो छोटा सा, मैंने कहा आप लोग को दिखा देते हैं दोनों बाइक साथ में खड़ी करके। ये KMPH में होगा क्या जो MPH में शो हो रहा है? ये सेट होता है किसी से हमें लगता है। हाँ चेंज करो हो जाएगा। हाँ अरे भाई आग लगा दी। कैसी लगी भाई? बढ़िया लगी। तो व्लॉग शूट हो गया काफ़ी अच्छा, एंड मैंने साउथ भाई से कहा आप चलाइए, बट साउथ भाई ने कहा कि मैं R1 चला लूँ। मैंने कहा ठीक है भैया, और काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी टाइम दिया साउथ भाई ने, तो एक बार साउथ भाई को थैंक यू। वीडियो शूट करा साथ में हम लोगों ने, ड्रोन शॉट्स लिए, फ़ोटोज़ ली, तो काफ़ी अच्छा लगा। एक्चुअली स्पीड MPH में दिख रही है। ये आया लड़का बगल में। एंड गाड़ी इतनी गर्म हो रही है, मेरी तो जांघे जल रही है अब। एक सच्चा एक्सपीरियंस आपको मैं बताऊंगा थोड़ा सा, कि जांघें एकदम जल रही है मेरी, और तभी लेदर बूट्स पहने, और जहां लेदर बूट्स के ऊपर से हल्की सी जीन्स खुली है वहां की चमड़ी भी थोड़ी सी रोस्ट हो रही है। बट सुबह बाइक ऑन करने के फ़ायदे हैं तो साथ में नुकसान भी हैं थोड़े, वो आपको डेफिनेटली झेलने पड़ेंगे। तो एक सुबह बाइक रखो तो एक 390 भी रख लो, हालांकि 390 भी गर्म ही होती है। बढ़िया, बस शूट पे आए थे हम लोग तो। अच्छा
हाँ भाई, कैसी लगी आपको ये गाड़ी? रोस्ट कर रहे हैं ये उम्र देखो, बेकार चीज देखो। उम्र नहीं फिर भी कैसा लग रहा है देखने में? बड़ी अच्छी लग रही है। नहीं, हमारे लिए नहीं, जब हमारे बुद्धों के लिए अच्छी लग रही है तो आप जैसे बच्चों के लिए कितनी अच्छी लगती होगी। तो अभी हम थंबनेल लेंगे, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो मुझे, साउथ भाई को और आकाश को, तीनों का इंस्टाग्राम अकाउंट नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।